बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीज व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। तो आज हमने सोचा कि फुजेरा मरीन क्लब में चलते हैं और साथ में आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये वो जगह है, जब मैं यूएई में फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मैंने सबसे पहले इस जगह का विज़िट किया था। मुझे आते ही यहाँ पर कोरोना हो गया था, और जब मुझे कोरोना हो गया तो आपको पता है कि सांस बंद होना शुरू हो जाती है। तो मुझे भी ना ऐसी फीलिंग आती थी कि जैसे मेरी सांस बंद हो रही है बिल्कुल। तो एक दिन रात को एकदम से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होगी, और एक ही कमरे में रह रह के मेरा दम घुटना शुरू हो गया था। और आई वी भी मैं पाकिस्तान से थी, तो फिर यहाँ पे रहना पहले ही एक तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, अपनी फैमिली को बंदा छोड़ के आता है। तो ऊपर से मुझे कोरोना हो गया और फिर मुझे सबसे सेपरेट रहना पड़ा। तो फिर जो है रात को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है मुझे लेके बाहर आ गए, थोड़ा सा मास्क अब आया, हर चीज़ पहन के तो मैं यहाँ पे आ गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला यहाँ पर फिशेस को देख के, और ठंडी हवा थी तो ठंडी हवा में भी बैठी मैं, तो मेरी सांस जो है वो बहाल होना शुरू होगी। तो तब से जो है ना ये जगह मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है कि मैं जब आई थी तो सबसे पहले मैं इधर ही आई थी। और इस जगह से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ चुकी हैं, तो जिस चीज़ से भी आपकी यादें जुड़ जाएं तो वो चीज़, वो जगह आप वैसे भी नहीं छोड़ सकते, वो आपकी मोस्ट फेवरेट हो जाती है। तो इसी तरह ये जगह जो है मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और बात करें मरीन क्लब के बारे में, तो 1999 में फाउंड हुआ था, जब मैं पैदा हुई थी, जब मैं अपने माँ बाप को मिली थी तब यूएई वालों को भी ये मरीन क्लब मिला था। और यहाँ के रूलर थे तब हम्मद बिन मोहम्मद अल शरकी, वो यहाँ के रूलर थे। और फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो फैसिलिटीज़ भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्होंने दी हुई हैं, जिसमें जेट स्कीइंग है, स्पीड बोटिंग है, सी फिशिंग है, डाइविंग क्लब भी है यहाँ पे माशाल्लाह, और 120 बोट्स एट अ टाइम यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। और उनके लिए इन्होंने एक रिपेयर शॉप भी बनाई हुई है, जिनकी बोट्स यहाँ पे आती हैं और ख़राब हो जाती हैं, तो साथ ही इन्होंने रिपेयर शॉप भी रखी हुई है, वहीं से इनको रिपेयर कर देते हैं। और वॉशरूम्स वगैरह की भी सहूलत है यहाँ पे, एक तो इस साइड पे वॉशरूम्स है और एक जो बैक साइड है ना मरीन क्लब की, वहाँ पे भी दो वॉशरूम्स बने हुए हैं। और 2000 पावर बोट चैम्पियनशिप जो है वो हर साल में यहाँ पर होता है, जिसमें जेट स्कीज भी होती हैं और सेलिंग्स भी होती हैं माशाल्लाह। कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, और उसके लिए अलग से इन्होंने एक स्टेज बना के रखा हुआ है जहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह होती है। और मरीन क्लब के अंदर इन्होंने रेस्टोरेंट्स और क्लब्स वगैरह बना के रखे हुए हैं। और ये जो फिशेस आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इनको खाना वगैरह हम खिला सकते हैं, यहाँ पे फिशिंग नहीं कर सकते, बट ये जो फिशेस हैं हम इनको खाना खिला सकते हैं। तो हमारे घर में जो भी रोटियां वगैरह बच जाती हैं, कुछ भी चिप्स वगैरह इस तरह की, या समून, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो कि वेस्ट नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला वैसे भी नाराज़ होते हैं तो वेस्ट करने से बचना चाहिए हमेशा। तो जो भी आपकी चीज़ रोटी वगैरह जो आप नहीं खा रहे और आपने उसको फेंकने के लिए रखा है, तो उससे बेटर है कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके इन फिशेस को डालें। ये भी दुआएँ देंगी, अल्लाह ताला भी राज़ी होंगे और अपने दिल को भी सुकून होगा कि खाना वेस्ट नहीं हुआ, किसी अच्छी जगह पे लग गया। तो हम लोग यहीं पे आते हैं, यहाँ पे आके सुकून मिलता है, यहाँ पे फिशेस को खाना खाते हुए देखते हुए। और माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, और माशाल्लाह इस बार जो है ना मौसम काफ़ी देर तक ठंडा रहा। वैसे तो हमेशा मार्च जब स्टार्ट होता है तो गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, बट इस बार जो है मौसम बहुत प्यारा है यहाँ पर।
और यहाँ पे ये सामने नो फिशिंग का बोर्ड लगा हुआ है, जब तक आप लोग परमिशन नहीं लेके आते तब तक आप लोग फिशिंग नहीं कर सकते यहाँ पे। और यहाँ पे एक और बोर्ड लगाया हुआ था इन्होंने, जिस पे इन्होंने लिखा हुआ था कि अगर आपको कोई भी टर्टल मिल जाए जो इंजर्ड हो या फिर ऐसे कोई रस्सी वगैरह उसको फंसकी हो तो आप खुद से उसको निकालने की कोशिश नहीं करें, एक नंबर दिया हुआ है इन्होंने उस पे कॉल करें तो वो बंदे खुद आके इसको देखेंगे, क्योंकि साथ में लिखा हुआ है कि अगर हम अपनी साइंसदानी दिखाएंगे तो वो बेचारे टर्टल को और ज़्यादा हार्म देगा, तो उससे बेटर है कि जो नंबर इन्होंने दिया हुआ है सीधा उस पे कॉल करो, ताकि जिनको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज है वो आके उसको खुद देखें। और ये है फुजेरा मैरीन क्लब, माशाल्लाह इसकी जो शेप है ये इन्होंने फुल शिप की तरह बनाई हुई है, क्योंकि सारा जो काम है वो शिप्स का ही है, यहाँ पे शिप्स ही आके खड़े होते हैं, उनकी रिपेयरिंग होती है, यहीं पे शिप के जो शोज़ होते हैं और जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं वो भी सब यहीं पे होते हैं, तो इसलिए इन्होंने इसको शेप ही शिप का दे दिया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है, इसी के अंदर इन्होंने बनाया हुआ है, दोनों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है इसको और बीच में ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, माशाल्लाह इतनी प्यारी लाइटिंग है ना कोई, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ये भी दिखाऊँगी। और ये जो एरिया है ना यहाँ पर, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो ये एरिया ओपन था, अभी इन्होंने बंद कर दिया है, स्केटिंग करता है ये एरिया बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने पूरा वो बंद कर दिया है, अंदर जाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, वरना जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ पे बैठ के मैं पानी के साथ खेल रही थी, पानी में पाँव मार रही थी अपने बच्चों की तरह। और ये दो रेस्ट रूम्स इन्होंने बाहर की तरफ बनाए हुए हैं जिनका मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ बॉयज़ जो थे वो फ़ुटबॉल खेल रहे थे, इसके बारे में पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे फ़ुटबॉल के मैचेस भी होते हैं, तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस चल रही थी दो टीम्स की। और ये वो रेस्टोरेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सी के अंदर बनाया हुआ है, और यहाँ पे बच्चों के लिए इन्होंने प्ले एरिया बना के रखा हुआ है छोटा सा, और अंदर से पूरा व्यू जो है वो आपको दिखाते हैं अभी हम।
और यहाँ पर माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं अपनी अपनी स्कूटीज लेके आए हुए थे और खेल रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गाड़ी की स्पीड लिमिट है ना वो 20 है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी रश होता है। आज रमज़ान है तो रमज़ान की वजह से इतना रश नहीं है। और ये है जी फुजैरा मरीन क्लब और इसके बैक साइड पे इन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। और ये जो सामने है ये इन्होंने स्टेज बनाया हुआ है, जब भी कोई कंपटीशन या कुछ भी शो वगैरह होता है ना तो यहाँ पे उसकी अनाउंसमेंट वगैरह चलती है। और यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है ये सिर्फ बोट्स के लिए है। पहले यहाँ पे पार्किंग कर लेते थे लोग, तो अभी इन्होंने वो रास्ता ही बंद कर दिया है, तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह लेके आना अलाउ नहीं है। इस साइड पे दूसरी साइड से पार्किंग इन्होंने ओपन की हुई है। और यहाँ पे हम लोग सैंडविचेस घर से लेके आए थे, समंदर के सामने बैठ के खाने का अपना ही मज़ा है। और यहाँ पे ये बेचारी बिल्ली भी थी, भूखी थी बहुत ज़्यादा, आवाज़ें निकाल रही थी और बार बार करीब आ रही थी, तो हमने इसको सैंडविच दिया और माशाल्लाह इतने प्यार से खा रही थी ना, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मछलियों को भी खाना खिलाया और बिल्ली को भी खाना खिलाया, और इतनी प्यारी क्यूट बिल्ली थी ना, बार बार मेरे पास आ रही थी और मैं इसके साथ खेलना शुरू होगी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एनिमल्स, और बिल्लियाँ तो वैसे भी मेरी फेवरेट है ना, बहुत क्यूट होती हैं, और ये तो इतनी क्यूट थी ना, खुद ही मेरे पास पास आ रही थी। तो जी गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट करते हैं, और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।